भूल मेरी थी। जून का महीना था और दोपहर का समय। रामकिशन चिलचिलाती धूप में शहर की ओर जा रहा था। गर्मी के मारे उसका बुरा हाल था। वह किसी छायादार वृक्ष के नीचे आराम करना चाहता था। चलते चलते रामकिशन को एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ घना और छायादार था। रामकिशन उस पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा। रामकिशन ने इधर उधर देखा तो उसे एक खेत दिखाई दिया। खेत में कद्दू लगे हुए थे। रामकिशन ने बरगद के बड़े पेड़ की ओर देखा। बरगद पर ढेरों फल लगे थे। वह फल छोटे छोटे थे। रामकिशन बरगद के फलों की ओर देखता रहा। अचानक उसके मुंह से निकला, वाह रे परमात्मा, तुम्हारा भी जवाब नहीं। इतने बड़े पेड़ पर इतनी मोटी मोटी डालियां लगाई, उन डालियों पर तुमने इतने छोटे छोटे फल लगाए, और उधर पतली सी बेल पर बड़े बड़े कद्दू लगा दिए। शायद तुमसे कोई भूल हुई होगी, वरना कद्दू लटकता इस पेड़ पर और बरगद का फल लगता उस कमजोर बेल पर। अभी रामकिशन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बरगद का एक फल टपक कर ठीक उसकी नाक पर आ गिरा। वह दर्द से तड़प गया। वह दर्द कम करने के लिए नाक मलने लगा। जब नाक मलते मलते तड़प कुछ कम हुई तो रामकिशन आकाश की ओर हाथ जोड़ते हुए बोला, हे परम पिता परमात्मा, भूल तुमसे नहीं मुझसे हुई जो मैंने ऐसा कहा। आज ये कद्दू मेरी नाक पर गिरा होता तो पता नहीं मेरी क्या हालत होती। शिक्षा, हमें दूसरों में कमी नहीं निकालनी चाहिए।